हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिनकर नाथ मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं द हिंदू एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आइए चलते हैं। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अ फ्रेंडली फाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वर्ड का दो तरह से हम अर्थ निकाल सकते हैं। पहला, उसका एक शाब्दिक अर्थ जिसको हम लोग कहते हैं लिटरल मीनिंग, और दूसरा जो है सो अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, क्या उसका मीनिंग निकलेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जिसको हम लोग कहते हैं कंटेक्चुअल मीनिंग। तो आइए, तो सबसे पहले हम बताना ये चाहते हैं कि अ फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या होता है। जनरली फाइट का मतलब होता है युद्ध, जनरली फाइट का मतलब होता है संघर्ष, जनरली फाइट का मतलब होता है किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा। लेकिन यहां फाइट का मतलब न तो युद्ध है न तो लड़ाई झगड़ा है, ये सभी नहीं है। तो क्या है फाइट का एक और मीनिंग होता है, एक प्रयास। क्या चीज का प्रयास? किसी चीज को अचीव करने का, किसी चीज को बर्बाद करने का, किसी चीज को रोकने का प्रयास, जिसे हम लोग कहते हैं फाइट। तो यहां फ्रेंडली फाइट और फ्रेंडली फाइट का मतलब होता है, यहां अ फ्रेंडली फाइट का मतलब है एकजुट प्रयास, यानी दोस्ताना प्रयास। तो आइए, तो पैसेज है, द प्री पोल रिवेलरी बिटवीन द कांग्रेस एंड द टीडीपी विल नॉट प्रिवेंट अ पोस्ट पोल फ्रेंडशिप। तो ये पैसेज जो है लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुद्दों पर। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पहले विरोधी थे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, और बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों एक साथ हो जाएंगे, उनका गठबंधन होगा, इसी पर ये मैटर लिखा हुआ है। तो कहता है द प्री पोल रिवेलरी, प्री पोल रिवेलरी का मतलब होता है चुनाव के पहले की प्रतिद्वंदी की भावना। तो द प्री पोल रिवेलरी बिटवीन द कांग्रेस एंड द टीडीपी विल नॉट प्रिवेंट अ पोस्ट पोल फ्रेंडशिप। तो कहता है चुनाव के पहले की प्री पोल, चुनाव के पहले की जो रिवेलरी है वो रोक नहीं पाएगी अ पोस्ट पोल फ्रेंडशिप का, फ्रेंडशिप को। यानी कहने का मतलब है कि चुनाव के पहले की जो दोनों पार्टियों में विरोधी की भावना है, प्रतिद्वंदिता की भावना है, वो नहीं रोक पाएगी चुनाव बाद दोनों की मित्रता को। तो कहता है अ डिवोर्स नीड नॉट ऑलवेज बी एन अनहैप्पी मैस। ये जो सेंटेंस है ये एक इडियम है, और जैसा कि हम जानते हैं कि इडियम में होता क्या है कि लिखा हुआ कुछ और होता है लेकिन मीनिंग उसका कुछ और होता है। जैसे यदि हम कहते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो इसका मतलब ये जनरली निकलता है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं, या जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। लेकिन इसका मीनिंग एक्चुअली क्या निकलता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए ये बात कही गई है जो बोलते तो ज्यादा है लेकिन करके दिखाते कुछ नहीं है। तो उसी तरह से यहां पर जो है कह रहा है अ डिवोर्स नीड नॉट ऑलवेज बी एन अनहैप्पी मेस। इसका मतलब ये निकला, यदि कोई दो व्यक्ति, यदि कोई दो दल आपस में मतभेद रखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बाद में वे एकजुट न हो सकें, यानी एक साथ न हो सकें। तो कहता है कि अ डिवोर्स नीड नॉट ऑलवेज बी एन अनहैप्पी मेस इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में द कांग्रेस एंड द तेलुगु देशम पार्टी हैव अग्रीड टू गो देयर सेपरेट वेज बट रिमेन फ्रेंड्स। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी, जिसको हम टीडीपी कहते हैं, हैव अग्रीड, दोनों ने सहमति जताई है। क्या चीज की सहमति जताई है? टू गो देयर सेपरेट वेज, कि वे अपने अपने रास्ते चलेंगे। कहने का मतलब है कि वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे बट रिमेन फ्रेंड्स, लेकिन वे आपस में दोस्त रहेंगे। वाइल डिसाइडिंग अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ एन अलायंस फॉर द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस दे हैव अग्रीड टू वर्क क्लोजली इन द पोस्ट पोल सिनेरियो एट द नेशनल लेवल। तो कहता है वाइल डिसाइडिंग अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ एन अलायंस, किसी भी प्रकार के अलायंस के फॉर्म को डिसाइड करने वक्त,
क्या चीज के लिए अलायंस? तो फॉर द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन, कह रहा है कि लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के लिए किसी भी प्रकार का अलायंस करने के लिए डिसीजन लेते वक्त दे हैव अग्रीड, वे अग्रीड हुए हैं इस बात पर कि टू वर्क क्लोजली, यहां क्लोजली का मतलब निकटता नहीं, क्लोजली का मतलब एक साथ, उन लोगों ने डिसाइड किया है, वे लोग सहमति प्रदान किए हैं कि ये दोनों साथ साथ मिलकर काम करेंगे। दे हैव अग्रीड टू वर्क क्लोजली इन द पोस्ट पोल सिनेरियो एट द नेशनल लेवल, वे राष्ट्रीय स्तर पर चुनाववाद का जो सिनेरियो जो मिलेगा, चुनाववाद का के बाद जो स्थिति पैदा होगी उसके अनुसार वे दोनों साथ साथ मिलकर के काम करेंगे। हाँ, तो कह रहा है यहां पर, गोइंग बाय द डिजास्टर्स रिजल्ट्स ऑफ देयर अलायंस इन तेलंगाना, तेलंगाना में गठबंधन, उनके गठबंधन का जो डिजास्टर्स रिजल्ट मिला उसके बाद, वेयर दे लॉस्ट हैवली टू द तेलंगाना राष्ट्र समिति, तेलंगाना राष्ट्र समिति रिसेंटली, दिस अरेंजमेंट is the best for both। तो कहने का मतलब यह है कि going by the disastrous results of their alliance in Telangana, disastrous results का मतलब पहले समझिए, ये disastrous word जो है ये एक noun disaster से बना है और disastrous जो है वो एक adjective बन गया जो कि disastrous results के लिए आया है। generally disaster का मतलब होता है आपदा, विपत्ति, दुख, लेकिन यहां डिजास्टर्स जो बन गया नाउन से एडजेक्टिव और जो रिजल्ट के लिए आया है उसका मतलब निकल गया बहुत बुरा। तो यहां पर अर्थ आ रहा है द डिजास्टर्स रिजल्ट्स यानी बुरा परिणाम, गोइंग बाय द डिजास्टर्स रिजल्ट्स ऑफ देयर अलायंस यानी अपने अलायंस का डिजास्टर्स रिजल्ट मिलने के बाद तेलंगाना में, और वह तेलंगाना जहां, वेयर दे लॉस्ट हैवली टू द तेलंगाना राष्ट्र समिति रिसेंटली, जहां हाल ही में तेलंगाना राष्ट्र समिति को बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ा। क्या चीज के रूप में लॉस? वोट उनको बहुत कम मिला था। तो इसको देख करके ऐसा लगता है कि दिस अरेंजमेंट इज द बेस्ट फॉर बोथ, कि यह अरेंजमेंट, इस प्रकार की व्यवस्था जो है दोनों के लिए सबसे अच्छी रहेगी। दोनों के लिए मतलब दोनों पार्टियों के लिए, कांग्रेस के लिए भी और टीडीपी के लिए भी। Indeed, the TDP trying to retain power against a resurgent YSR Congress party may do better without the Congress, which is still blamed in Andhra Pradesh for the bifurcation of the state in 2014. क्या कहना चाह रहा है? कहना यह चाह रहा है कि सचमुच, इंडीड मीन्स क्या होता है? सचमुच, वस्तुतः, यानी कहने का मतलब यह है कि सच बात तो यह है कि इंडीड द टीडीपी कह रहा है कि वास्तव में टीडीपी ट्राइंग टू रिटेन पावर अगेंस्ट अ रिसर्जेंट वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, कह रहा है कि सचमुच में टीडीपी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो कि रिसर्जेंट है, रिसर्जेंट का मतलब मौजूदा स्थिति में, वर्तमान में शासन अथवा सत्ता में होना, तो कह रहा है कि जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो अभी सत्ता में है उसके खिलाफ टीडीपी कोशिश कर रही है अपनी सत्ता में आने के लिए, रिटेन पावर का मतलब होता है फिर से शक्ति अपनाना, फिर से कोई चीज अपनाना, तो रिटेन पावर का मतलब हुआ फिर से शक्ति अथवा पावर अथवा सत्ता अपनाना, यानी कहने का मतलब इसका यह हुआ कि टीडीपी कोशिश कर रही है रिसर्जेंट वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सत्ता में आने का, और वही टीडीपी मे डू बेटर विदाउट द कांग्रेस, और उसी के बारे में कहा जा रहा है कि टीडीपी जो है बढ़िया कर सकती है, बेहतर कर सकती है कांग्रेस के बिना भी, यदि वो कांग्रेस का हेल्प नहीं भी ले तो टीडीपी बेहतर कर सकती है चुनाव में। विच इज स्टिल ब्लेम्ड इन आंध्र प्रदेश फॉर द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट इन 2014, यहां विच आया है कांग्रेस के लिए, तो कह रहा है कि कांग्रेस इज स्टिल ब्लेम्ड इन आंध्र प्रदेश फॉर द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट इन 2014, तो कहने का मतलब यहां पर है कांग्रेस इज स्टिल ब्लेम्ड, कांग्रेस को अभी भी ब्लेम किया जाता है, कांग्रेस पर अभी भी दोष लगाया जाता है आंध्र प्रदेश में, किस चीज के लिए? तो फॉर द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट इन 2014, 2014 में आंध्र प्रदेश का जो विभाजन हुआ था उसके लिए कांग्रेस को अभी भी ब्लेम किया जाता है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि
लोगों का कहना है कि कांग्रेस ही मेन जड़ है, कांग्रेस ही मेन वो चीज है जिसके कारण आंध्र प्रदेश को बांटा गया, उसका विभाजन किया गया। द कांग्रेस टू द बेनिफिट ऑफ द टीडीपी कुड कट इन टू द वोट शेयर ऑफ द वाई एस आर सी पी अ ब्रेक वे पार्टी लेड बाय द सन ऑफ फॉर्मर कांग्रेस चीफ मिनिस्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी। तो कहने का मतलब यहां पर यह है, द कांग्रेस टू द बेनिफिट ऑफ द टीडीपी, कह रहा है कि कांग्रेस टीडीपी के बेनिफिट के लिए कुड कट इन टू द वोट शेयर ऑफ द वाई एस आर सी पी, कह रहा है कि वाई एस आर सी पी के वोट शेयर को काट सकता है, कम कर सकता है। और वाई एस आर सी पी क्या है, तो वाई एस आर सी पी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और वो भी किस प्रकार का पॉलिटिकल पार्टी है, अ ब्रेक वे पार्टी। ब्रेक वे पार्टी किसको कहते हैं, ब्रेक वे पार्टी का मतलब हुआ यदि कोई पार्टी किसी ग्रुप से किसी अन्य पार्टी से अलग होकर के एक नई पार्टी बनाती है तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक वे पार्टी। तो कह रहा है कि वाई एस आर सी पी जो है एक ब्रेक वे पार्टी है, जो ब्रेक वे पार्टी लेड बाय द सन ऑफ फॉर्मर कांग्रेस चीफ मिनिस्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी, जो पूर्व मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के सन द्वारा संचालित है या प्रतिनिधित्व की जाती है वो पार्टी। ट्रेडिशनली द कांग्रेस एंड द टीडीपी हैव बीन बीटर रावल्स। ट्रेडिशनली क्या है, ट्रेडिशनल से बना, ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है भाई, परंपरागत, पहले से कोई चीज होता हुआ आया हो उसी के लिए यहां पर आया ट्रेडिशनली, यानी कहने का मतलब शुरू से ही, यहां पर क्या लिखा, शुरू से ही, बहुत पहले से ही। ट्रेडिशनली द कांग्रेस एंड द टीडीपी, कांग्रेस और टीडीपी हैव बीन बीटर रावल्स, कह रहे शुरू से ही ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस और टीडीपी शुरू से ही बीटर राइवल्स रहे हैं। बीटर राइवल्स का मतलब यहां क्या है, बीटर का जनरल मीनिंग जो होता है वो तीखा होता है, तीक्ष्ण होता है, लेकिन यहां बीटर जो है राइवल्स के लिए आया है, जिसका मतलब निकलेगा कट्टर। बीटर राइवल्स का मतलब निकलेगा कट्टर दुश्मन, कट्टर विरोधी। तो कह रहा है कि ट्रेडिशनली शुरू से ही ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस और टीडीपी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, कट्टर विरोधी रहे हैं। बट The bifurcation dramatically changed the political equation. लेकिन जो विभाजन हुआ वह विभाजन, but the bifurcation dramatically changed, नाटकीय रूप से परिवर्तित कर दिया किस चीज को, political equation को, राजनीतिक समीकरण को। तो कहने का मतलब यह है कि शुरू से ही ऐसा देखा जा रहा था कि कांग्रेस और टीडीपी कट्टर विरोधी रहे थे, लेकिन आंध्र प्रदेश का विभाजन जो है एक बड़ा परिवर्तन ला दिया राजनीतिक समीकरण में। The Congress vote bank collapsed in Andhra Pradesh as the Congress led government at the center was seen as the architect of the bifurcation. तो यहां कह रहा है कि the Congress vote bank collapsed in Andhra Pradesh. Collapse का मतलब यहां पर समझना है, collapse का general meaning होता है ढह जाना, धराशायी हो जाना, बर्बाद हो जाना, टूट फूट जाना, लेकिन यहां collapse का कुछ meaning अलग ही होगा। क्या meaning होगा यहां पर, तो कह रहा है यहां पर क्या, द कांग्रेस वोट बैंक कोलैप्स, यानी कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो गया, कम हो गया, बर्बाद हो गया, वोट बैंक कोलैप्स इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, एस चूंकि द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर, क्योंकि सेंटर में जो कांग्रेस की सरकार थी वॉज सीन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द बाइफर्केशन, वो विभाजन का मेन जड़ मानी जाती थी, विभाजन का मेन जड़ मानी जाती है। यहां पर एक चीज समझने का है, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो बिल्डिंग वगैरह का नक्शा बनाता हो, डिजाइन बनाता हो, जिसका यही काम हो, उसको हम लोग कहते हैं आर्किटेक्ट। लेकिन यहां आर्किटेक्ट का मतलब रूट, मेन जड़, मेन पॉइंट, मेन वजह। तो यहां पर कहने का मतलब है, कह रहा है कि द कांग्रेस वोट बैंक कोलैप्स्ड इन आंध्र प्रदेश एज द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर वॉज सीन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द बाइफर्केशन, कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का वोट बैंक एकदम बिल्कुल खत्म हो गया। इसका कारण था कि सेंटर में जो कांग्रेस की सरकार थी वो बाइफर्केशन का मेन वजह मानी जाती थी। इन तेलंगाना, तेलंगाना में द टीडीपी विच वैसलेटेड ऑन द डिवीजन सफर्ड अ मैसिव एरोजन ऑफ वोट्स, कह रहा तेलंगाना में टीडीपी विच
वैसलेटेड ऑन द डिविजन. वैसलेट, वैसलेट का मतलब होता है बार बार अपने बयान को बदलना, बार बार अपने विचार को बदलना, बार बार अपने व्यू को बदलना, इस प्रकार से व्यू को बदलना कि सामने वाला आदमी अनवाइड हो जाए. तो कहने का मतलब यहां पर क्या निकला कि तेलंगाना में टीडीपी जो हमेशा अपने बयान को बदला करती थी, विच वैसलेटेड ऑन द डिविजन, और किस चीज पर अपना बयान बदलती थी, विभाजन को लेकर के. विभाजन को लेकर के जब भी उनसे कुछ पूछा जाता था, उस पार्टी से पूछा जाता था, तो हमेशा वो बदल बदल कर बयान देती थी. तो कह रहा है कि इन तेलंगाना द टीडीपी विच वैसलेटेड ऑन द डिविजन, जो बंटवारे को या विभाजन को लेकर के अपना बयान हमेशा बदलती थी, तो सफर्ड अ मैसिव एरोजन ऑफ वोट्स, उन्हें बहुत ज्यादा एरोजन ऑफ वोट्स को सफर करना पड़ा. एरोजन ऑफ वोट्स का मतलब क्या हुआ, एरोजन हम लोग एक वर्ड पढ़ते, एरोजन जो है जनरली ज्योग्राफी में एक हम पढ़ते हैं सॉइल एरोजन. सॉइल एरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटना, मिट्टी का बहना, मिट्टी का कहीं से हट जाना. लेकिन यहां एरोजन ऑफ वोट का मतलब हुआ वोट का कट जाना, वोट का गिर जाना, वोट की मात्रा कम जाना, एरोजन ऑफ वोट्स. तो कह रहा है यहां पर सफर्ड अ मैसिव एरोजन ऑफ वोट्स. तो कह रहा है कि तेलंगाना में टीडीपी जो हमेशा बयान बदला करती थी विभाजन को लेकर के, उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में एरोजन ऑफ वोट्स को सहना पड़ा, सफर करना पड़ा. इस प्रकार दस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार ऐसा हुआ है, द कांग्रेस एंड द टीडीपी नो लॉन्गर हैड ज्योग्राफिकली ओवरलैपिंग सपोर्ट बेस. पहली बार ऐसा हुआ है कि टीडीपी और कांग्रेस को भौगोलिक रूप से बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग सपोर्ट बेस का सामना नहीं करना पड़ा. वाइल द लीडरशिप ऑफ बोथ पार्टीज सॉ इन दिस एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क टूगेदर, द ग्राउंड बीनीथ हैड शिफ्टेड. कह रहा है कि वाइल द लीडरशिप ऑफ बोथ पार्टीज, जब दोनों पार्टीज के लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब नेतृत्व करने की क्षमता, कह रहा है कि जब दोनों पार्टीज के लीडरशिप ने यह देखा, क्या देखा, इन दिस, इसमें देखा क्या, एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर, कि एक साथ काम करने का अवसर यदि मिल गया है, तो क्या हुआ, द ग्राउंड बीनीथ हैड शिफ्टेड, तो नीचे की जमीन, नीचे की जमीन का मतलब उनका सेंटिमेंट जो है वो हिल गया. द वोट बैंक्स ऑफ द कांग्रेस एंड द टीडीपी डिड नॉट एड अप इन द रिसेंट तेलंगाना. तो कह रहा है तेलंगाना में फिलहाल जो तेलंगाना बना, यानी आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना अलग हुआ, इसी के लिए उसका नाम पड़ा रिसेंट तेलंगाना. सॉरी, इन द रिसेंट, ये सेंटेंस कह रहा है द वोट बैंक्स ऑफ द कांग्रेस एंड द टीडीपी डिड नॉट एड अप इन द रिसेंट तेलंगाना असेंबली इलेक्शन. तेलंगाना असेंबली इलेक्शन यानी फिलहाल, यानी नजदीक में कुछ ही समय पहले तेलंगाना में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, उससे पता चला कि द वोट बैंक्स ऑफ द कांग्रेस एंड टीडीपी, यानी वोट बैंक्स, कांग्रेस और टीडीपी का वोट बैंक्स डिड नॉट एड अप, कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ पाया तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में. वोटर्स इन द न्यू स्टेट सॉ द अलायंस बिटवीन द फोर्स टर्न फ्रेंड्स एज अपॉर्चुनिस्टिक एंड रिटर्न द टीआरएस टू पावर विथ अ बिगर मेजोरिटी. तो यहां पर कहने का मतलब इसका यह हो रहा है, वोटर्स इन द न्यू स्टेट, वोटर्स इन द न्यू स्टेट, नए राज्य के लोग, नए राज्य के वोटर्स, नए राज्य कहने का मतलब तेलंगाना के वोटर्स. तो वोटर्स इन द न्यू स्टेट यानी तेलंगाना के वोटर्स ने देखा, सॉ क्या देखा, द अलायंस बिटवीन द फोर्स टर्न फ्रेंड्स. यह समझने वाली चीज, फोर्स टर्न फ्रेंड्स, फोर्स मतलब होता है दुश्मन, अब फ्रेंड्स मतलब दोस्त, तो फोर्स टर्न फ्रेंड्स यानी दोस्त, यानी दुश्मन जो दोस्त के रूप में बदल गया, यानी फोर्स टर्न फ्रेंड्स. जब तेलंगाना के वोटर्स ने यह देखा कि यह देखा, वोटर्स इन द न्यू स्टेट सॉ क्या देखा, द अलायंस बिटवीन द फोर्स टर्न फ्रेंड्स, यानी ऐसे दो लोगों के बीच में अलायंस देखा. अलायंस मींस क्या होता है, गठबंधन, समझौता, जोड़, यानी ऐसे दो लोगों के बीच में गठबंधन को देखा जो पहले दुश्मन थे और अभी दोस्त बन गए हैं. तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, इन द न्यू स्टेट, वोटर्स इन द न्यू स्टेट सॉ द अलायंस बिटवीन द फोर्स टर्न फ्रेंड्स एज अपॉर्चुनिस्टिक. हां, यहां पर कहने का मतलब एज अपॉर्चुनिस्टिक, अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब अवसरवादी, यानी उन लोगों को ऐसा लगा, वोटर्स को, वहां के जनता को ऐसा लगा कि जो पहले दुश्मन थे अब दोस्त बन गए, एक अवसरवादी की तरह, एक अवसरवादी की तरह, लोगों का व्यू, लोगों का फायदा के लिए नहीं, लोगों को की फायदा के फायदा के लिए नहीं, अपने फायदा के लिए, अवसरवादी की तरह जब देखा उन लोगों ने, तो क्या किया, एंड रिटर्न द टीआरएस टू पावर विद द बिगर मेजोरिटी. तो टीआरएस को बहुत ज्यादा बहुमत दे करके उन्हें जीत हासिल करवा दी. आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश
Chief Minister N. Chandrababu Naidu, while not keen on an alliance with the Congress, wants a level against the Bharatiya Janata Party. कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबु नायडू वाइल नॉट कीन ऑन एन अलायंस विद द कांग्रेस, जो कांग्रेस से अलायंस करने के पक्ष में नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी वे चाहते हैं वांट्स द टू पार्टीज एंड दोनों पार्टीज टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम करें एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर, किसके खिलाफ, था अगेंस्ट द बीजेपी, अगेंस्ट द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ. Much of Mr. Naidu's political campaign is directed against the BJP-led government at the center for not granting a special category status to Andhra Pradesh. तो कहने का मतलब यहां पर यह निकला, much of Mr. Naidu's political campaign, यानी Mr. Naidu के द्वारा किए गए जो भी राजनीतिक आंदोलन थे उनमें अधिकांश, much of Mr. Naidu's political campaign is directed against the BJP-led government. इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द बीजेपी लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर, यानी उनका जितना भी राजनीतिक आंदोलन रहता था वो उस चीज को शो करता था, डायरेक्ट करता था, दिशा निर्देशित करता था, क्या चीज के खिलाफ था, अगेंस्ट द बीजेपी लेड गवर्नमेंट. बीजेपी लेड गवर्नमेंट का मतलब बीजेपी द्वारा संचालित गवर्नमेंट, बीजेपी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई गवर्नमेंट, तो बीजेपी गवर्नमेंट को निशाना बना करके वो उनका आंदोलन होता था. लेड गवर्नमेंट बीजेपी. Much of Mr. Naidu's political campaign is directed against the BJP-led government at the center for not granting a special category status to Andhra Pradesh. Yani kahane ka matlab ye hua ki N. Chandrababu Naidu ke dwara किए गए जितने भी राजनीतिक आंदोलन थे उनमें इस चीज का जरूर जिक्र रहता था कि बीजेपी गवर्नमेंट को आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा देना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं दिया, इसका जिक्र वो हमेशा करते थे. Installing a non-BJP alternative political formation at the center is integral to the TDP's vision for the state. तो कह रहा है कि install करना मतलब स्थापना करना. Installing a non-BJP alternative, यानी BJP, यानी center में BJP को छोड़ करके उनको अलग, बीजेपी को छोड़ करके किसी भी दल को स्थापना करना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना करना, किसी भी सरकार की स्थापना करना. तो कह रहा है इंस्टॉलिंग अ नॉन बीजेपी अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन एट द सेंटर इज इंटीग्रल, इंपॉर्टेंट हो गया किसके लिए, टू द टीडीपी विजन, टीडीपी के विचार से. यानी टीडीपी को ऐसा लग रहा है कि सेंटर में बीजेपी के अलावा दूसरी राजनीतिक दल की स्थापना की जाए, दूसरी सरकार की स्थापना की जाए टू द स्टेट. For its part, the Congress, which is in the process of finding new allies in different states to cut into the BJP's share of the seats, is content with the TDP as a post-poll ally. तो यहाँ कहने का मतलब ये कह रहा है, for its part, इस अर्थ में अपने पक्ष में the Congress, which is in the process of finding, जो इस process में है, इस प्रक्रिया में है, किस प्रक्रिया में है, तो of finding new allies, एक नए गठबंधन को पाने की कोशिश में है. Finding new allies in different states, विभिन्न राज्यों में, to cut into the BJP share of the seats, कि इस कोशिश में है कि BJP का share जो है seats का उसमें cut किया जाए, उसमें कमी की जाए, उसमें कटौती की जाए. और कह रहा है इस कंटेंट विद द टीडीपी एज अ पोस्टपोल अलाय, तो कह रहा है कि वह जो है वह कंटेंट है, यानी संतुष्ट है, हैप्पी है, खुश है विद द टीडीपी, टीडीपी के साथ एज अ पोस्टपोल अलाय. पोस्टपोल अलाय यानी कहने का मतलब है कि पोल के बाद, चुनाव के बाद जो उनमें उनके बीच जो संधि होगी उसके बीच वह उसके लिए वो संतुष्ट है, वो खुश है. अब कहता है द टैक्टिक ऑफ फाइंडिंग द इलेक्शन सेपरेटली नीड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट टुगेदर. तो कह रहा है द टैक्टिक ऑफ फाइंडिंग द इलेक्शन सेपरेटली, यानी इलेक्शन को सेपरेटली फाइट करने का जो टैक्टिक है इससे पता चलता है कि नीड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट टुगेदर, कि उन्हें एक साथ सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है. इन द आईज ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के व्यू में अ पोस्ट पोल कॉलिशन, पोल के बाद जो दोनों में सहमति होने वाली है, जो गठबंधन होने वाला है इन आंध्र प्रदेश में, इज जस्ट एज गुड एज प्री पोल अलायंस, वह उतना ही अच्छा है जितना कि चुनाव के पहले के अलायंस हैं. What matters is the number of seats that parties opposed to the BJP may get in Lok Sabha. कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि BJP के अगेंस्ट में जो कोई भी पार्टी है वो कितना भी सीट लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. If the disbanding of the alliance makes any difference to that end, यदि alliance का disbanding मतलब alliance का हट जाना, यदि alliance का disbanding जो है makes any difference, किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाता है
टू दैट एंड इस अर्थ में तो इट कैन ओनली बी अ पॉजिटिव, इसका फल इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आपको एक से एक नए नए अंदाज में हम वीडियो अपलोड करते रहें, आपको दिखाते रहें। थैंक यू।